हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज बच्चों हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत बच्चों के लिए फियर फैक्टर रहता है इस चैप्टर को लेके कि समझ में नहीं आता है या प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन बिलीव मी कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये डे फर्स्ट है, तो डे वन और चैप्टर नंबर आपका है 12 ऑफ 10th क्लास, ठीक है, बट इट इज यूजफुल फॉर द 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बेटा, बिफोर स्टार्टिंग मैं सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। आज हम सिर्फ दो फॉर्मूलों को लेकर अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि जो एरिया आप ये एक सर्कल बनाया मैंने, प्लीज इस पे मेरी ड्राइंग में मत जाइएगा क्योंकि मेरे ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने एक सर्कल बनाया है जिसमें एक सेंटर है और सेंटर की वैल्यू मैंने दी है O, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की बात की जाती है बेटा, तो वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के लिए, जिसमें पाई की वैल्यू हमेशा हमें पता होती है। पाई जो होता है बेटा, बेसिकली अगर आप बात करो तो ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है सर्कमफेरेंस और डायगोनल का, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या देते हैं पाई की, आपको बहुत जगह गिवन होती है 22/7 लिखा होता है या इसको 3.14 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप कभी भी करते हैं, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, 22/7 भी या 3.14 भी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन है और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और वहां पर आपको पाई इज इक्वल टू 22/7 गिवन है, तो आपको वही यूज करना है क्योंकि वो आपके लिए एज पर द क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहेगा और सिंपल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है बेटा, आर डिनोट्स टू रेडियस। आपको पता है कि आपको ये हमारा क्या होता है, आपका रेडियस होता है जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है। अब एरिया जो होता है, एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता है किसी भी जो फिगर होती है या किसी भी जो शेप होती है उसका एरिया होता है कि अगर वो शेप किसी के ऊपर रख दी जाती है, ठीक है, तो वो कितना उसको कवर कर रहा है, मतलब वो एरिया कितना उसने उसको ढक लिया या कितना उसको यूज कर लिया है, ठीक है ना। अगर ये सिंपल सा मेरा एक हैंड है, अगर मैं इस पर ये पैर ऐसे सीधा रखती हूँ बेटा, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो पैर है, इस पैर ने ये जितनी उसकी सर्कल में जो इसका जो एरिया है उतना ही जो मेरा हैंड है वो आपका क्या है, ढक गया है, ठीक है। तो एरिया होता है कि जब कोई चीज किसी और के ऊपर आती है या कहीं रखी जाती है तो उसका एरिया क्या होता है, कवर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सर्कल में बात की जाए तो ये मैंने सर्कल बनाया है तो इतना बोर्ड मैंने क्या किया, यूज कर लिया है, दिस इज कॉल्ड एरिया, ओके। तो ये क्या कहलाता है, इसका एरिया कहलाता है। और अगर सर्क्यूमफेरेंस की बात करें तो सर्क्यूमफेरेंस की ये फॉर्मूला होता है बेटा 2πr, r ऑलरेडी रेडियस है, 2πr बोलता है कि अगर मैंने इस पॉइंट से, ठीक है, यहां से मैं एक जर्नी शुरू करती हूँ और आपका साइड 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 में ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस उसी पॉइंट पे पहुंचती हूँ, ठीक है, जहां से मैंने स्टार्ट किया था सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, जैसे पेरीमीटर होता है आपका स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह में, सर्क्यूमफेरेंस होता है आपका सर्कल में, ठीक है। तो ये जो आपका सर्क्यूमफेरेंस होता है ये आपका क्या होता है, इसको आप पेरीमीटर आपका दूसरे पे बोला जाता है, और पेरीमीटर अगर सर्कल की बात की जाए तो उसको सर्क्यूमफेरेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से वापस इस पोजीशन में आपको आने में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया या कितना लगा वो आपका सर्क्यूमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन फ्यूचर जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो अंदर की बात कर रहा है या आउटर साइड की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बोलूं कि अगर सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं तो आपको पार्क के बाहर बाहर चक्कर काटना है, और अगर एरिया की बात बोलते हैं तो आपको पार्क के अंदर जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने क्वेश्चंस। पहले बहुत इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 12.1 है सीबीएसई बोर्ड की।
प्लीज बेटा जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेगी, नहीं तो आप मुझे यूट्यूब पे सर्च करने नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा और आपके सेशन क्या होंगे मिस हो जाएंगे और आपका चैप्टर कहीं ना कहीं छूट जाएगा, ठीक है? और अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटा, इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है? न्यूमेरिकल मीन्स आपका कोई भी नंबर, ठीक है? तो भाई ये बोलता है एज पर द क्वेश्चन कि एरिया ऑफ सर्कल जो है आपका, ठीक है, वो बराबर है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल के, ठीक है? क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये कंडीशन आपको दी है, सिंपल सी बात है, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ मैं लिख सकती हूँ पाई आर स्क्वायर है, और सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, टू पाई आर होता है, ठीक है? ये टू पाई आर होगा, यहाँ पर होगा या नहीं होगा, क्लियर है आपको? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ से आपको क्या करना है, आप क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, आप क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे 2r है तो 1r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, पाई r इज इक्वल टू 2π है, तो r मैंने यहाँ छोड़ दिया तो 2π बाय क्या हुआ, पाई आ गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r क्या हुआ आपका 2 आ गया, सिंपल है। 1r से r कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ और r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, सो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका बोलता है कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे, ठीक है? ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है कि इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ओके, वो क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर बात की गई है एक सर्कल की और एक स्क्वायर, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है, उसने बोला कि जो एक सर्कल है और जो एक स्क्वायर है उनका क्या है, एरिया क्या है, बराबर है ना, नहीं ये जो पैरीमीटर है वो बराबर है बेटा, पैरीमीटर क्या है, पैरीमीटर ऑफ सर्कल और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है। तो पैरीमीटर ऑफ का सर्कल क्या होता है, सर्क्यूमफेरेंस होता है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है बेटा, 2πr होता है। और अगर बात की जाए स्क्वायर की, मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है स्क्वायर की आपके लिए, प्लीज उसको देखिए, उसमें सारी प्रॉपर्टीज प्लस फॉर्मूलाज को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो प्लीज मेंसुरेशन पढ़ने से पहले आपको शेप्स के बारे में पूरी नॉलेज प्लस उनके फॉर्मूलेज बता होने बहुत जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4a ही बोल दीजिए, और a क्या होता है बेटा, आपका होता है साइड, क्योंकि सारी जो साइड होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, आपके पास ये आ गया। तो अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालू, a की निकाल सकती हूँ बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr बाय 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर है पाई आर बाय 2 जो हुआ वो किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब उसने हमें क्या बोला है कि आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालनी है, किस किस की निकालनी है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, किसकी एरियाज की रेशियो निकालनी है, ठीक है? तो यहाँ पे रेशियो जो होगी वो क्या होगा, एरिया ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पहला क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, ऐसे ही रेशियो निकालते हैं ना ऊपर नीचे, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन जो एरिया है ए स्क्वायर, आपको पता है ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर इनटू 4 बाय पाई आर स्क्वायर,
तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया तो आंसर आता है आपका 4। तो मतलब 4:1 जो है वो आपकी क्या आती है, रेशियो आती है पैरिमीटर और एरिया ऑफ सर्कल और एरिया स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बात का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर आया है आपका क्या उस यहाँ पर बेटा। ओके, यहाँ पर एक चीज गलत हो गई है बेटा, यहाँ पर आपका पाई का भी स्क्वायर आएगा क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायरिंग करने के बाद ये स्क्वायर है तो आपका 1 पाई बच जाता है, तो 4:4 आपका आंसर आता है। क्लियर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।